आज के बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के द्वारा आयोजित ऑनलाइन फेसबुक कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का स्वागत है। और आज के जो कार्यक्रम तय किए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में, मैं आप लोगों के सामने विशेष रूप से अवगत कराना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू करने का संकल्प बनाया गया है, कैसे हम इसको आगे बढ़ें। भारत सरकार ने इसके लिए कई कमिटियां बनाई। पूरे भारत से करीब 2 लाख से अधिक लोगों ने के द्वारा मंतव्य लिया गया और उस मंतव्य के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया। आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में उस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का पुनः रिवाइज किया गया और संशोधित रूप से 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। वर्ष 2005 में नेशनल करिकुलम फोरम ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदल दिया एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आया। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 2017 में यूजीसी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। वर्तमान सरकार ने 2015 में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया, परंतु इसी बीच 2017 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में नई शिक्षा समिति का गठन किया गया और इस समिति के माध्यम से 31 मई 2019 को अपना रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी। इस समिति के रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो करीब करीब 2 लाख लोगों से अधिक सुझाव लिए गए और उस सुझाव के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को इसकी स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात इस पर काम आज शुरू हो गया है। राज्यों की अलग अलग विविधताएं, संरचनात्मक स्थिति और उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप विभिन्न प्रदेशों में लागू किया जाना है और कई सरकारों ने इस संदर्भ में बहुत आगे काम शुरू कर दी भी है। लेकिन हम सभी जितने भी विद्वतगण हैं, समाज सेवी हैं, हम लोगों को इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ने जो काम किया है, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो शैक्षणिक वातावरण बनाने का प्रयास किया है, यह अतुलनीय ही कहा जा सकता है। जिसने पूरे कोरोना काल होते हुए भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम फेसबुक के माध्यम से सभी को शिक्षा दान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो हम सभी को एक बहुत ही स्वागत योग्य है कि बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ने इस प्रकार के कार्य हम लोगों के सामने लाया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो हम लोग की प्रारूप डेवलप किया गया है उस संदर्भ में हम सभी आगे बात करने वाले हैं। तो बिहार सरकार ने भी इस संदर्भ में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के आलोक में जो है कई प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। तो बिहार सरकार की भी जो भी विविधताएं हैं, उस विविधताएं के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तय करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम बिहार के भी जितने भी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, आप सभी जानते हैं कि बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम में निश्चित रूप से बदलाव की आवश्यकता है। आज भारत के पूरे प्रदेश देश में जो भारत के पूरे नेशनल लेवल पर जो ग्रॉस इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में करीब 25% है और बिहार में करीब करीब 14 से 15% बच्चे ही इस शिक्षा नीति में जो आगे ग्रॉस इनरोलमेंट है।
तो इसे हम लोगों को निश्चित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। और भारत सरकार ने जो तय किया है कि 2030 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में और प्राइमरी और माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन में हायर जो है करीब करीब 100% ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जो ड्रॉप आउट जो बच्चे को है उस ड्रॉप आउट को हम लोगों को दूर करने की आवश्यकता है, तभी हम चूंकि शिक्षा ही समाज का दर्पण है, बिना शिक्षा के हम लोग एक समाज का नई कल्पना नहीं दे सकते हैं। तो इसमें जो 34 साल के बाद नई शिक्षा जो नीति आई जिसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव के संदर्भ में हम इस पर परिचर्चा आज रखेंगे कि क्या क्या इसका उद्देश्य है, इसका विजन क्या है, तो उस पर हम लोग को विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। तो इसका उद्देश्य और विजन पर हम लोग पहले चर्चा करें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत के सार्वभौमिकीकरण शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। इस योजना के माध्यम से बच्चों के जो शैक्षणिक गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने का भी उद्देश्य दिया गया है। तो इस पर हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे हम लोग इस शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाएं, जिसमें बच्चे का ज्ञान कौशल आदि को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस योजना को गुणवत्ता बढ़ाने में लाभकारी होगी और भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मक के साथ साथ शिक्षा के गुणवत्ता का अवगत कराना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। तो तकनीकी आधारित शिक्षक, स्कूली शिक्षा और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर परिचर्चा भी कर देते हैं कि जो बदलाव किए गए हैं, तो सेकेंडरी जो लेवल पर 10+2 सिस्टम था उसको समाप्त कर करके नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया गया है, जो काफी सराहनीय कदम है। ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय नेतृत्व में शिक्षा नीति का जो गठन किया गया है, तो इसमें जो 5+3+3+4 की जो फॉर्मूला लाया गया है, जिसमें प्रथम स्टेज को फाउंडेशन स्टेज कहा जा सकता है, जिसमें इस जो फाउंडेशन स्टेज में है उसमें 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ये फाउंडेशन स्टेज लाभकारी होते हैं। तो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें 3 साल की प्राइमरी पर मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जो छात्र एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं उनके होमवर्क पर भी कम ध्यान दिया जाना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे के जो बोझ बस्ते का होता है वो काफी भारी भरकम हो जाता है। तो इसको भी दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति में रखा गया है कि बच्चे को जो स्कूल बैग ले जाते हैं उसकी वजन को भी कम किया जाए। दूसरी जो है प्रिपेरेटरी स्टेज में कक्षा 8 से 11 के बच्चों को सम्मिलित किया गया है और इसमें कक्षा 3 एवं 5 के बच्चे होंगे। जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें 3 से 5 तक के बच्चे होंगे। इन छात्रों को संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर भी बल दिया गया है। इस योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है, यानी संख्या पद्धति पर भी विशेष बल बच्चों को जो कक्षा 3 से 5 पर है उन पर दिया जाएगा। इच्छा एवं दूसरी कक्षा में छात्रों को पढ़ने के लिए जो होमवर्क दिए जाते हैं उस होमवर्क पर भी विशेष ध्यान ज्यादा पढ़ने के लिए सीखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग मिडिल स्टेज पर आते हैं, तो मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को मिडिल स्टेज में सम्मिलित किया जो कंप्यूटर के लिए कोडिंग सिस्टम होता है वह इसके साथ साथ जो है सिस्टम बताया जाएगा और इसके साथ साथ जो है कंप्यूटर कोडिंग के साथ साथ जो है उन्हें व्यवसायिक शिक्षा पर जो है उस पर जोर देने की भी बात कक्षा
छह से आठ रखी गई है कि व्यवसाय यानी वोकेशनल कोर्स पर भी विशेष रूप से बच्चों को ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो बात हुई वोकेशनल कोर्सेस के लिए, जो छोटी छोटी चीजों को मिट्टी का बर्तन या छोटी छोटी चीजें जो है वो पढ़ाने के लिए शुरू किया जाएगा, यानी व्यवहारिक कार्य स्कूल में सिखाया जाएगा ताकि स्वावलंबन की स्थिति वो उस अवस्था से शुरू हो जाए। उसके बाद जो अगला स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है। इस स्टेज में आठवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इस स्टेज के भीतर आठवीं से बारहवीं कक्षा शैक्षिक पाठ्यक्रम को खत्म कर चुके बहुविकल्पीय शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्र किसी भी स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मन पसंद के अनुसार अपना विषय को चुनने की स्वतंत्रता है। बहुत बड़ा स्वागत योग्य है कि आप स्ट्रीम्स को चयन के लिए जो पहले निर्धारित किया गया था कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये सब, इसमें कक्षा सेकेंडरी स्टेज से ही इस कार्यक्रम का शुरू कर दिया जाएगा और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 2 घंटे तक ही होमवर्क देने के लिए जो निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही छात्रों को बैग कि जो वजन है वो 10% अधिक हो जाता था, उसको थोड़ा सा कम करने की, बहुत ज्यादा वजन को है और विद्यालय से भी अपेक्षा की जाती है कि इसके लिए जो है स्कूल में बाथरूम और पानी की सुविधा व्यवस्थित रूप से हो ताकि बच्चे आज की तिथि में जो है घर से ही पानी लेकर के जाते हैं, स्कूल की टिफिन लेके जाते हैं। इसके लिए मिड डे मील भी सरकार की योजना आज भी चल रही है, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अब हम स्ट्रीम्स की चयन पर भी बात कर रहे हैं। जो हमने बताया था कि नई शिक्षा नीति के तहत अब साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा ही है। पहले साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीन फैकल्टी होते थे, उस पर हम लोग पढ़ाई करते थे। हम लोग आज तक जो ये सिस्टम चल रही है, तो नई शिक्षा स्थिति में बहुत ही बदलाव आने वाला है। अगर मैथमेटिक्स आप है तो इसके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई विषय आप ले कर करके स्नातक कर सकते हैं या किसी प्रकार की कोई पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप एक स्ट्रीम का चयन सीधा सीधा आप कर सकते हैं। तो स्ट्रीम के लिए यह बाध्यता आप समाप्त हो रही है कि आप जिस विषय को रखना चाहते हैं आप उसके साथ, गणित है, फिजिक्स है तो फिजिक्स के साथ, इतिहास भूगोल जो आपके साथ इच्छा लगती है, रुचि के आधार पर बच्चे अपने चयन कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा है, उत्साहवर्धक है। पहले जो बीएड की, जो अब हम बीएड पर थोड़ा सा बात करते थे कि बीएड भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवसायिक कोर्स के अंतर्गत जो शिक्षक बनते हैं आज के तिथि में उन्हें बीएड करना आवश्यक है। तो ऐसे विद्यालय से 4 साल का बीएड कोर्स दिया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पर काफी परिवर्तन किया। अब वोकेशनल स्टडीज की शुरुआत के लिए 2025 तक देश के 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडी करवाने की योजना सरकार की बनाई गई है, जिसमें हमने बताया था कि कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स शुरू कर दी जाए किया गया है। और इस वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत जो स्कूल के बच्चे हैं वो लकड़ी का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन, छोटी छोटी जितने भी, आज जापान जो है इस क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है और छोटी छोटी वोकेशनल कोर्स वहां लागू करके आज जापान देश विश्व का एक सबसे बड़ी हस्ती और ग्रॉस जीडीपी सबसे बहुत ज्यादा है। तो जापान और कई जितने भी विकसित देश हैं वोकेशनल कोर्स प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को सीखने के लिए कर दिया जाता है। वर्ष उनमें 18 से 24 वर्ग के 5% से भी कम छात्र औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य देशों में करीब 50 से 75% तक है। तो ये हम लोग के देश में 18 से 24 वर्ग के मात्र 5% बच्चे ही औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि कई विकसित देशों में करीब 50 से 75% जो है वोकेशनल कोर्स करते हैं। तो इसको बढ़ाने देने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है जो काफी उत्साहवर्धक है और हम लोगों को भी बिहार में इस प्रकार की योजना बनाने की जरूरत है और निश्चित रूप से हम आगे तक काम करेंगे। उसके बाद टीचर में भर्ती के लिए भी जो सरकार ने कई चेंजिंग की है और कई नीति बदलाव किया गया है कि शिक्षकों को की भर्ती कैसे किया जाए ताकि अधिक से अधिक शिक्षक जो है योग्य शिक्षक उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और शिक्षण कार्य में लगे। इसके लिए भर्ती के लिए जिन शिक्षकों को रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके लिए भी आज भी है, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षक भी चूंकि उनकी योग्यता बहुत ही उच्च स्तरीय होते हैं
योग्यता की ज्यादा अभिवृद्धि हो। अब एक और हम लोग जो नया जो नीति बनी है MHRD का नाम परिवर्तन कर करके अब जो है शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज हम लोग बताने जा रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जानी है जिसके माध्यम से न केवल एक औपचारिक शिक्षा वरन शोध की संस्कृति को सक्षम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि रिसर्च के क्षेत्र में जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नई नई खोज नहीं करेंगे, शैक्षणिक गतिविधि को आगे से नई रिसर्च सामने आएगी और जो देश की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करे। प्रयास करेगा कि हम अगर विदेशी स्किल यही खुल जाती है विश्वविद्यालय दूसरे देशों के, तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शैक्षणिक वातावरण बढ़ने में विशेष रूप से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। अब उसके बाद जो है वित्तीय सहायता भी, जो भी छात्र अगर सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती, इसके बिहार सरकार ने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और भारत सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू की है और बच्चों को जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, जिनके प्रकार जिनके पास किसी प्रकार की संसाधन की अनुपलब्धता रहती है, उनको भी सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई है। लेकिन इसकी प्रचार प्रसार की आवश्यकता, जैसे क्रेडिट कार्ड योजना और कई छात्र कल्याणकारी योजनाएं जो चलती है, उसमें बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों ने भी इसकी अपनाई है और उस पर काम चल रहा है। अब IIT बहुविषयक संस्थान बनाए जाएंगे। IIT संस्थान जो है केवल जो इंजीनियरिंग की सेवा दे रहे थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों को मानविकी छात्रों के लिए दरवाजे खोलने का भी निर्णय लिया गया है कि IIT बहुविषयक शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है कि IIT को भी बहुविषयक बनाने की योजना है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो 2022 के अंतर्गत पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा, जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा लचीला बनाने की आवश्यकता है और उसको वोकेशनल ओरिएंटेड पाठ्यक्रम, क्योंकि आज की तिथि में अगर कोई बच्चे IAC करते हैं, स्नातक करते हैं, MSc के अगर वो करते हैं तो इनके उनके पास कोई संसाधन नहीं, स्टूडेंट करे स्नातक, उसको रोजगार के जगह मिलना चाहिए। आज ट्रेडिशनल कोर्स जो भी संचालित है उस पर विशेष नजर नहीं बच्चे दे रहे हैं, इसका इसलिए कारण है उसकी रोजगार की सुविधा, इसका रोजगार परक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब तक हम रोजगार परक शिक्षा को व्यवस्था दुरुस्त नहीं करेंगे और तब तक बच्चे जो ट्रेडिशनल कोर्स है उससे उनका ध्यान भटकता चला जाएगा, इसका रोजगार परक शिक्षा अति आवश्यक है। हम लोग एक ड्रॉप आउट जो बच्चे कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं जो कि बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं और माध्यमिक जैसे ही 10th क्लास करते हैं, कई बच्चे कुछ फिनेंशियल मामले होते हैं, किसी पढ़ने में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है, कहीं महाविद्यालय नहीं है, तो इस पर भी विचार विमर्श करने की ड्रॉप आउट बच्चे जो कर रहे हैं उस ड्रॉप आउट को दूर करने की आवश्यकता है और इस योजना के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को भी लचीला बनाने की आवश्यकता है जिससे बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सके, बच्चे उन विषयों का चयन कर सके जो पढ़ने में उनकी रुचि करो। निश्चित रूप से माता पिता को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चे के माता पिता कभी भी बच्चों पर ऐसा बोझ न डाले कि आप साइंस की करना है, उनकी रुचि कर आधारित। मैं बताता हूं कि कई विकसित देश जो प्रारंभिक अवस्था से उसके कंप्यूटर या कुछ अपनी तकनीकी माध्यम से उनकी कुशलता को जांच लेता है, उसके बिजनेस ओरिएंटेड है या इंजीनियर,
पर विचार करने की आवश्यकता है। विशेष प्रतिभा वाले छात्रों को मेधावी विद्यार्थी को प्रोत्साहन योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्रों के प्रतिभाओं को पहचाना जाएगा एवं उनको बढ़ावा देने के साथ साथ विकास किया जाएगा। छात्रों को अपनी प्रतिभा एवं रुचि की पहचान में सरकार को सहयोग करने की आवश्यकता है। बच्चों को शिक्षकों को द्वारा जो मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। अगर शिक्षक अच्छे ढंग से बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, पढ़ने में अभिरुचि पैदा करेंगे, तो भी बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित होंगे और शैक्षणिक गतिशीलता में उसको बढ़ाने में विशेष रूप से सहयोग प्राप्त हो। तो ये निश्चित आवश्यकता है कि बच्चे अभिभावक और उसके शिक्षक उसके जीवन काया को बदलने में बहुत ही मार्गदर्शक होते। का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी छात्रों को शिक्षा पहुंचा भी है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त की जा सके। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का बुनियादी अधिकार है, जो आरटी राइट टू एजुकेशन में भी इस पर किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेना है। इसमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। इस पॉलिसी के माध्यम से सभी बच्चों को शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया जाना है। ट्रांसजेंडर छात्रों को भी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। तो यह भी एक बहुत ही उत्साहवर्धक है कि ट्रांसजेंडर जो विकलांग है या और ट्रांसजेंडर है, सभी को अपेक्षित सहयोग करने की आवश्यकता है। अब आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में भी स्कूल कॉम्प्लेक्स कलेक्टर के माध्यम से कुशल संसाधन विकसित किया जा गया है। बिहार सरकार ने भी इस दिशा में हर एक जिले के में इस प्रकार के क्लस्टर सेंटर डेवलप किए गए हैं और इस पर काम चल रहा है। इस योजना के संचालन राष्ट्रीय राज्य जिला ब्लॉक एवं स्कूली स्तर पर किया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कार्यान्वयन में स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल के माध्यम से इस योजना का संचालन करके बच्चों को लाभ प्रदान किया जाता है। स्कूली स्तर पर सभी शिक्षकों को इस पॉलिसी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों द्वारा ही इस योजना का संचालन अंतिम स्तर पर किया जाएगा। शिक्षकों को इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित स्कूल मैनेजमेंट द्वारा प्रदान की जाएगी, जिससे इस योजना के कार्यान्वयन समय पर हो सके। इसके अलावा राज्य एवं जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बाल भवन स्थापित करने, जिससे बच्चे खेल और कला कैरियर आदि के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करने की जरूरत है। और स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो मैं इस संदर्भ में एक और अपने विचार रख रहा हूँ कि इस पर मैं जो है इस पर काम कर रहा हूँ हम लोग के संदर्भ में, कि एक कम्युनिटी टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर डेवलप करने पर भी विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के इस विद्यालय है या गाँव के क्षेत्र में है, ब्लॉक लेवल पर जिला लेवल पर एक कम्युनिटी टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर डेवलप किया जाए और वो समाज के जितने भी अभिवंचित वर्ग है उस अभिवंचित वर्ग को उस मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी उस पोषक क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उस कॉलेज में हर सैटरडे संडे या जब भी समय निर्धारित हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर करके उसके सर्वे करके कम्युनिटी टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर डेवलप करने पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और उसमें बिहार सरकार को आगे बढ़ने की। क्योंकि अगर आप एकाएक शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समाज के जितने भी शैक्षिक प्रबुद्ध वर्ग है उसको आगे लाने की आवश्यकता है और उस पोषक क्षेत्र में अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होती है तो निश्चित रूप से एक नई कम्युनिटी टीचिंग लर्निंग सेंटर के माध्यम से बच्चों की शैक्षणिक गतिशीलता में वृद्धि होगी और सच्ची शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की योजना भी आवश्यक है कि जब तक हम सभी शिक्षकों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उसके ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक शिक्षकों में भी थोड़ी सी अपनी अभिरुचि बढ़ाने की आवश्यकता है। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते थे उच्च शिक्षा में विकास करने के लिए भी गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय व महाविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश के विकास एवं बेरोजगारी दर को घटाने के लिए उच्चतर शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उठाती है। इसके उच्चतर शिक्षा के माध्यम से जितने भी हैं उस पर हम लोग काम करने की आवश्यकता है। ऐसे भी विद्यालय में शिक्षा के सुधार के लिए गुणवत्ता
पूर्ण बढ़ने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जाएंगे, जिससे देश की युवा को सक्षम बन सके और उनका समग्र विकास हो सके। इस योजना के माध्यम से ऐसे उच्चतर शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी जो बहुविषयक विद्यालय और महाविद्यालय होंगे। तो ये आवश्यक है कि उच्चतर शिक्षा को विकास करना, जिसमें तकनीकी का सहारा स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से और बिहार सरकार की जो उन्नयन बिहार योजना है, यह काफी उत्साहवर्धक और योजना है। और इसके माध्यम से भी एक बांका जिला से शुरू किया और सभी विद्यालयों सेकेंडरी स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, मैं तो एक आशा करता हूं और मेरी ओर से सरकार का भी है कि स्मार्ट क्लासेस न केवल सेकेंडरी स्कूल में हो, वरन प्राइमरी स्कूल विद्यालयों में भी आवश्यकता है कि स्मार्ट क्लासेस से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। अभी हाल में ही हम लोग जो बच्चों को एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बिहार सरकार, बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिहार मैथमेटिकल संयुक्त तत्वावधान में 1 तारीख से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में 19,000 बच्चे ने ऑनलाइन आवेदन किया और सभी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से बच्चे ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार के तमाम जिलों में बच्चे ने ऑनलाइन परीक्षा दिया उस विद्यालय में जाकर के अपने लैपटॉप और मोबाइल के साथ में। तो इतना 14 दिन में 19,000 बच्चों ने आवेदन और सभी बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षा दिया और अपने लैपटॉप, तो ये न केवल प्राइवेट विद्यालय निजी विद्यालय वरन सरकारी विद्यालय के बच्चे ने भी कभी काफी टॉप किया और सभी बच्चों को पूरे बिहार के तमाम जिलों में इस पर जो है एक पटना के तारामंडल में सम्मानित किया गया बच्चों को और जिला के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और गणमान्य लोगों के द्वारा उन बच्चों को सम्मानित किया गया। तो एक उत्साहवर्धक है कि जब बच्चे ऑनलाइन भी, इस कारण स्मार्ट क्लासेस को बढ़ाने की आवश्यकता है, न केवल उच्च शिक्षा में वरन सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी विद्यालयों में भी उसको शुरू करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे स्मार्ट क्लासेस से लाभ ले सके और बच्चों को शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तो अब उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीखने की सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्रों को सहयोग, छात्रों को लिए एक वातावरण, वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों को प्रभावी ढंग से अगर शिक्षा देनी है और उसके लिए व्यापक दृष्टिकोण अगर अपनाना है तो एक अच्छे वातावरण, पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन, छात्रों को प्रयोग, पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। यानी छात्रों को अगर हम लोग सहयोग नहीं करते हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस कारण जो है पर्याप्त जो सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए छात्रों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। अब अध्यापक के लिए ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए। आज बिहार सरकार के माध्यम से एससीईआरटी के द्वारा शिक्षक दियाता है राज्य परियोजना निदेशक भी इस संदर्भ में जो है वहां भी शिक्षा ट्रेनिंग दी जाती है। तो एससीईआरटी शिक्षकों को प्रशिक्षण, लेकिन एक मेरा सुझाव रहेगा, शिक्षकों की जो प्रशिक्षण दी जाती है उसमें हायर एजुकेशन के शिक्षकों को भी जोड़ा जाए। स्कूल के शिक्षक के अगर प्रशिक्षण दिया जाता है तो कॉलेज के शिक्षक, आईआईटी के शिक्षक और कुछ अच्छे अच्छे शिक्षकों को जोड़ करके, ताकि शिक्षकों में भी एक अच्छा रोचक पूर्ण जो है शिक्षा प्राप्त हो और रिसर्च के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। तो छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को सक्षम टीम निर्माण करना बहुत आवश्यक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों को तैयार किया जाए, जिससे बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ साथ अभ्यास भी कराने की आवश्यकता है। इसके लिए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ साथ भारतीय मूल्य, ज्ञान, लोकाचार, परंपराओं, जनजाति परंपराओं आदि के प्रति भी जागरूक हों। वह संस्थान जो अध्यापक शिक्षा प्रदान करेंगे वह शिक्षण से संबंधित विषयों के साथ साथ विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है। तो शिक्षक की ट्रेनिंग के लिए आवश्यक है कि एक अच्छा कुशल पूर्वक ट्रेनिंग दिया जाए और उसको ट्रेनिंग कर करके पूरे बिहार के स्तर, जिला राज्य स्तर के साथ साथ विद्यालय जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और संकुल स्तर तक हर लेवल पर शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए और उसकी कौशल को विकास करने पर बल दिया जाए। अब हम लोग एक जो बातें करने जा रहे हैं जो बहुत ही एक रचनात्मक और इस दिशा में
मल्टीपल इंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, जो बहुत ही नया एक प्रारूप है कि स्नातक कोर्स यानी 3 और 4 साल के हो सकते हैं, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट ऑप्शन होंगे। आज 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर 3 या 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई को किसी कारणवश अगर वित्तीय कमी है या किसी परिस्थिति बस अगर बच्चे या छात्र अगर इंजीनियरिंग की कोर्स छोड़ देते थे या स्नातक द्वितीय वर्ष करने के बाद तृतीय वर्ष अगर नहीं करते थे तो उनकी डिग्री नहीं मानी जाती थी, उनकी फुल कोर्स नहीं मिलते थे। तो नई सिस्टम में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, अगर आप 1 साल के 4 साल का अगर कोर्स है, आप 1 साल में अगर डिग्री लिए प्राप्त किया तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, 2 साल का अगर आपने कोर्स किया तो डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा, 3 साल का अगर या 4 साल का कोर्स किया तो आपको डिग्री प्रदान किया, स्नातक के लिए आपको डिग्री वित्त प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो एक सिस्टम बना है वो काफी है कि और डिग्री जो बच्चे का वो कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा, उसके लिए जो भी वैकेंसी निकले कि सर्टिफिकेट कोर्स उसकी मान्यता होगी या डिप्लोमा किए हुए रहेगा। तो ये एक बड़ा ही उत्साहजनक है कि बच्चे का जो कैरियर पहले किसी परिस्थिति बस अगर उसके गार्जियन के पास अगर वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उसको समस्याएं बनती थी, तो यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि मल्टीपल इंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जब भी चाहे इस वह छोड़ कर करके दूसरे कोर्स कर सकता है और वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद वो डिग्री उसको कर सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा ही उत्साहवर्धक है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। पहले जो हम लोग आज सर्टिफिकेट लेते थे उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट गठन किया जाएगा, जिससे छात्रों द्वारा अर्जित किया गया डिजिटल एकेडमिक क्रेडिट हो विभिन्न उच्च संस्थानों के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और गिना जाएगा। अगर आप एक महत्वपूर्ण इसमें जो निर्णय जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कि अगर आपने 2 साल का कोर्स पटना के किसी कॉलेज से किया और 3रे साल का कोर्स अगर दूसरे संस्थान से मगध विश्वविद्यालय से किया तो आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वो संकलित रहेगी और वो जो कोड जारी किया जाएगा वो मगध विश्वविद्यालय से कोड में वो कोड आपका जुड़ जाएगा और मार्क्स की उसकी वैलिडिटी। इस कारण अगर आपने आप मगध विश्वविद्यालय में आज की तिथि में एडमिशन लिया पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना विद्यालय तो वहीं से आपको पार्ट 3 तक आपको डिग्री लेने की बाध्यता आती है। लेकिन वर्तमान सिस्टम में जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, आप कहीं भी आप जाएं, आपका डीजी लॉकर इसको कहते हैं, डीजी लॉकर में आपका वो स्कोर क्रेडिट रहेगा और जा कर करके आप दूसरे संस्थान में भी आप उसको डिग्री की उसकी वैलिडिटी रहेगी और उस एकेडमिक क्रेडिट कार्ड को जुड़ जाएगा डीजी लॉकर में, आप उसको खुलेगा जो उस पर लागू किया जाएगा। तो और उसके बाद जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई और सुविधाएं आपको दी जाने वाली है। विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिड डे मील गुणवत्तापूर्ण ठीक हो, जिससे कि बच्चों को लंच बॉक्स न लाना पड़े। आज की स्थिति मिड डे मील भारत सरकार और बिहार सरकार ने जारी किया गया है। मैं भी बिहार एजुकेशन सर्विस में कार्यरत था और उस कार्यरत में जब विद्यालयों में मिड डे मील देखने के लिए मैं जाता था तो कर सकता है और गुणवत्तापूर्ण उसे मिड डे मील बच्चों को उपलब्ध कराए ताकि बच्चों को घर से टिफिन बॉक्स न ले जाना पड़े। और आज टिफिन बॉक्स ले जाना पड़ता है क्योंकि 10 से 4 बजे तक क्लास होते हैं, तो इसको भी दूर करने की आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त जो पानी की सुविधाएं हैं उसको भी उपलब्ध कराया जाए, ठीक तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बोतल वाटर बच्चों को ले जाना पड़ता था, उससे बच्चे का बक्सा जो बैग रहता है उसकी साइज छोटा हो जाएगी। विद्यालय को में क्लास का टाइम टेबल ऐसा बनाया जाएगा कि बच्चों को बैग का वजन कम हो, स्कूलों में लगाई गई सभी किताबों का वजन उनके पब्लिकेशन
के द्वारा प्रिंट करा दिया जाएगा। स्कूलों द्वारा किताब चयन करते समय उसके वजन को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने वजन होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि वो भी वजन कंप्लीट निर्धारित हो जाना चाहिए कि क्लास थ्री के बच्चे, फाइव के, सिक्स के, मैं भी अभी के तिथि में जब बच्चे स्कूल, प्राइमरी स्कूल के LKG UKG जाते हैं तो जितना वजन बच्चे का उससे ज्यादा वजन उसकी बैग का होता है। तो बड़ा वजन ज्यादा, मैंने एक, मैं अपना नियुक्ति बोल रहा हूं, लेकिन बच्चे वजन से दबे जाते हैं और बहुत ही भारी वजन होता है जिस कारण उसके प्रॉब्लम होता है बच्चों को आने जाने में भी। कक्षा तीसरी और चौथी पांचवी बच्चे को सप्ताह 2 घंटे का होमवर्क दिए जाने पर भी इस पर बल दिया गया है। अब हम लोग कुछ और जो विशेष रूप से बातें करने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे हम लोग आगे इस दिशा में बढ़े और बिहार के विकास के लिए भी हम लोग काम करने की आवश्यकता है जिसमें सभी का जरूरत है। सही प्रकार के ई कंटेंट भी डेवलप करने की, अच्छे अच्छे जो भी शिक्षक हो ई कंटेंट, ताकि आज स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जब ई कंटेंट या जो डेवलप करने पर ही उसको बच्चों को सुविधा होगी पढ़ने में। वर्चुअल लैब डेवलपमेंट यानी मैथ लैब या हर विषय का लैब भी डेवलप होनी चाहिए वर्चुअल लैब, ताकि बच्चों को रचनात्मक रूप से उसको दिखाया जाए। ई लर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम करना, यानी पाठ्य पुस्तक का जो वजन ज्यादा है वो इस ई लर्निंग पर भी विशेष है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी उच्च संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य परीक्षा की पेशकश भी किया जाएगा। तो एक और इस संदर्भ में है कि जो बच्चे को मार्क्स पर है उसको प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भी प्रवेश पत्र, प्रवेश लिए जाने पर भी विचार इस पर किया जा रहा है। 2030 तक जिले के में कम से कम एक बहु विषयक उच्च शिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाएगा। 2040 तक उच्च शिक्षण संस्थान में बहु विषयक बनाने का लक्ष्य इस नई नीति के प्रमुख अंग है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग संपूर्ण उच्च शिक्षा का एकमात्र निकाय होगा जो चिकित्सा और कानून को छोड़ कर करके, तो इस संदर्भ में भी सरकार का फैसला जो लिया गया है वो काफी सराहनीय है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के पास 4 वर्टिकल होंगे जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगा। शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षा मानव एक समान होंगे तथा दिव्यांग जनों के लिए भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि विकलांग शरीर है उनको भी शिक्षा के लिए भी विशेष प्रशय देना। अब नई शिक्षा नीति के लाभ हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है तो उस पर भी हम लोग कुछ बातें करते हैं। पहला तो अभी हम करीब करीब 4% GDP का खर्च होता है उसको हर हाल में केंद्र सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 6% किया जाने की है। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाओं को भी पढ़ाए जाने की भी विकल्प तय किया गया है। अगर चाहें तो दूसरी भाषा को भी पढ़ने में उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि क्लास 5-6 से ही इस पर बहुविषयक मातृभाषा में पढ़ाई करने की योजना है। बोर्ड की परीक्षाओं में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि साल में 2 बार छात्रों के ऊपर ही बोझ कम करने के लिए परीक्षाएं ली जाए। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाएगा। हायर एजुकेशन में एक नई जो MPhil, आज के तिथि में MPhil का डिग्री लिया जाता था उसको MPhil को भी समाप्त कर दिया गया है। और दूसरी चीज है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सिलेबस में रखा जाएगा। तो यह बहुत ही है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अभी बहुत विशेष रूप से प्रश्रय नहीं दिया जाता, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने पर भी विशेष बल, उसको मेन सिलेबस में शामिल किए जाने की है। शारीरिक शिक्षा को भी मेन सिलेबस में, क्योंकि यह भी आवश्यक है कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, इस कारण शारीरिक शिक्षा। लिंक गायब हो गया इंटरनेट में डिस्टरबेंस के कारण। चलो हम लोग पुनः जुड़ते हैं कि अब हम लोग अंतिम अवस्था में पहुंच रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो हमने
आगे आते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एक क्रांतिकारी फैसला है, जो भविष्य में छात्रों को बहुत ही लाभदायक साबित होगा। हमें सभी को उम्मीद है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करने की आवश्यकता है, और आप सभी जितने भी विद्वत्गण हैं और शिक्षाविद हैं और विशेष रूप से बिहार हिस्ट्री टीचर मेकर्स से भी जितने भी आगंतुक जिला से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपेक्षा रहेगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लाइट में एक प्रारूप तैयार किया जाए और उस प्रारूप को किसी जिले और उसको संदर्भ में सरकार से भी अवगत कराया जाए अगर किसी प्रकार का विमर्श आती है। लेकिन एक प्रारूप उसके संदर्भ में तैयार होनी चाहिए और उस पर काम करने की। अब पर्सनल मेरा कुछ व्यू रहेगा कि कैसे हम लोग इस आगे काम में बढ़े। तो सबसे पहले तो चूंकि हर जितने भी प्रदेश क्षेत्र होते हैं उनकी भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक, संरचनात्मक स्थिति अलग अलग होती है। क्योंकि देश के लिए एक पॉलिसी बनी है, राज्य के लिए अलग अलग, क्योंकि विविधतापूर्ण पूरे भारत देश है, कहीं की कल्चरल एक्टिविटीज अलग है। मैं एक एग्जाम्पल ही बताना जाना चाहता हूं कि कैसे हम लोग अगर एक ही समग्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केंद्र स्तर पर लागू हुआ और उसको बिहार अगर बहुत ही अच्छे ढंग से उसको लागू करती है तो उसकी कल्चरल आइडेंटिटी, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी भाषाई स्थिति हर लेवल पर उसको तैयार। किया जाएगा तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। इस कारण अलग से बिहार को राज्य शिक्षा नीति का गठन करने की आवश्यकता है और इसमें जितने भी विद्वान हैं और उस विद्वानों को आ जाए प्रशासनिक उसको केवल मॉनिटर करे और विद्वानों के माध्यम से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्य शिक्षा नीति का गठन हो जिसमें देश के कुछ विद्वान हो, राज्य के कुछ विद्वान हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विद्वानों की कमिटी को गठित कर एक प्रारूप हो, इसकी मॉनिटरिंग सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि शिक्षा नीति मिशन को जोड़ा जाए, शिक्षक संगठन को जोड़ा जाए, कई सोसाइटी काम कर रही उसको जोड़ा जाए और एक प्रारूप डेवलप करने के लिए कर एक गठन करने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल जो मैं बताना था कि एक छोटा नागपुर प्रदेश में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है, बिरहोर जनजाति होती थी, अभी भी है, तो उसकी लिए रीसेटलमेंट स्कीम छोटा नागपुर, उसमें बिहार सरकार ही थी, पहले की बात है, 2000 के पहले की बात है। तो बिहार छोटा नागपुर के बिहार सरकार ने उस समय झारखंड के लिए बिरहोर जनजाति के लिए आवासीय प्रबंधन कर दिया कि सबको नई नई कर गया कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को नहीं समझा गया। और कल्चरल आइडेंटिटी जो उस बिरहोर जनजाति का था कि जब बच्चे पैदा हो जाते थे तो वो बच्चे घर को वो छोड़ देता था, तो सरकार ने पहाड़ पर सबको बना दिया, मकान जितना भी बना दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को नहीं पहचाना। तो यह आवश्यक है कि बिहार या पूरे प्रदेश, पूरे देश की कल्चरल आइडेंटिटी, भाषा, लागू करने के पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जानी चाहिए ताकि उसको लागू करने के पहले सारी सुविधाएं विद्यालय में, चाहे शिक्षक का अपॉइंटमेंट हो या जो जो बिंदु पर काम करना है, हर बिंदु पर उसको पालन करने की आवश्यकता है। एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए और चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लासेस, ई लर्निंग, ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन टीचिंग आदि सारी सुविधाएं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सब। दूसरी है कि जागरूकता अभियान चलाना, हर लेवल पर जागरूकता अभियान, शिक्षा प्रेमी हो, समाज सकता है, छात्र कल्याणकारी योजनाएं के द्वारा जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही काफी उत्साहवर्धक है, साइकिल, पोशाक, मध्यान्ह भोजन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदि कई कल्याणकारी योजनाएं, इससे हो रहा है कि छात्रों की
रहा है, तो गुणात्मक शिक्षा को बढ़ाने भी आवश्यक है, जो नवाचार शिक्षा है उसको बढ़ाने कैसे है। दूसरी चीज है कि विजन, काम करने के पहले विजन, उसकी लक्ष्य निर्धारित करना, मिशन मोड में काम करना और उद्देश्य बनाते हुए। जब तक हम उसकी विजन तय नहीं करेंगे, अगर हमको किसी एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान जाने अभिता उसकी तय नहीं करेंगे, तब तक हम उसको अच्छा सफलतापूर्वक नहीं। इस कारण किस क्या लक्ष्य होनी चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म अगर प्लान बनाया जाए तो निश्चित रूप से सफल होगा। कि शॉर्ट टर्म अगर 2 साल में क्या कम करना है, 1 साल में क्या करना है, 10 साल का स्कीम, 20 साल का, तो इस प्रकार से मिशन मोड में काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा पहल होगी। दूसरी चीज है कि जो आज क्लास 1 से स्कूल में शिक्षा लिया जा रहा है, जितने भी सरकारी स्कूल है, तो नई शिक्षा नीति में जो प्ले स्कूल से हुआ, नर्सरी से शुरू हुआ है, यह काफी उत्साहवर्धक है। लेकिन रोचकता पूर्वक, रचनात्मक पूर्व खेल, चित्रकारी, संगीत, अन्य गतिविधियों आधारित शिक्षण की आवश्यकता महत्वपूर्ण रखती है, ताकि बच्चों में एक अभिरुचि पैदा हो पढ़ने के प्रति। और उसके बाद जो अनुसंधान रिसर्च के लिए विद्यालय लेवल से भी बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड काम करने की आवश्यकता है। के लिए मॉड्यूल जो हो काफी महत्वपूर्ण होता है, कि मॉड्यूल को अच्छे ढंग से उसको डेवलप किया जाए, ताकि उसमें अच्छे अच्छे विकास हो, पेरेंट टीचर इंटरेक्शन हो, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कुशलपूर हो, कंटिन्यूअस असेसमेंट बच्चों के लिए निश्चित रूप से कंटिन्यूअस असेसमेंट करने की आवश्यकता है, तो इस पर भी विशेष है। और एक्सेलेंस, शिक्षक, छात्रों, अभिभावकों, सभी को एक्सेलेंट अवार्ड भी दिया जाए, मोटिवेशन की दिया जाए, ताकि उसमें हम लोग आगे बढ़ पाए। तो यह बिहार में जो एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है, और विभिन्न चरणों में काम किया जा रहा है, काफी उत्साह है, लेकिन लोगों को मंच पर आगे निश्चित रूप से लाना है। जो प्राचीन काल में नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जहां नालंदा विश्वविद्यालय जहां 10,000 छात्र एवं 2,000 शिक्षक थे, यहां खगोल विज्ञान, चिकित्सा, ललित कला, भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि काफी देश विदेश के बच्चे छात्र आकर के पढ़ते हैं। पुरानी विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व को ज्ञान देने में भारत अग्रणी उस समय था। आज हम सभी समाज पिछड़ रहे हैं, शिक्षा का अलावा शिक्षक के को अपेक्षित सहयोग करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बिहार की गौरव पुराने प्राचीन काल की जो इतिहास, नालंदा, तक्षशिला, ऐसे जितने भी भारत की गरिमा थी, पुनः हम लोग लौटाएंगे और विश्व के विकसित देशों में आकर के खड़ा होंगे, और निश्चित रूप से समाज की नई दिशा एवं दशा बदलेगी। तो काफी ही उत्साहवर्धक है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस दिशा में आगे बढ़ें और समाज की नई रोशनी, दीपक जलाने में काम करें, ताकि ईश्वर भी आपको मदद हमेशा करते रहेगा, और निश्चित रूप से समाज की दिशा बदलेगी, हम समाज में क्रांति लाएंगे और शिक्षा की जो घटती हुई गुणवत्ता है उसको, गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक और मैं अभी सूचना देना चाह रहा हूं कि 14-29 जनवरी को खगड़िया जिला की ओर से एक हम लोग कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, बिहार मेडिकल सोसाइटी की ओर से, जिसमें राज्य परियोजना निदेशक भी रहेंगे और जिला पदाधिकारी से ही बात हो चुकी है, और वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारी बिहार के सभी बच्चे और शिक्षक उस कार्यशाला में 29 जुलाई को 4 बजे से 6:30 बजे, तो जिन छात्रों एवं शिक्षकों को
इसमें हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी थोड़ी सी परिचर्चा रखेंगे, ताकि जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, और बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर जो इतनी बड़ी, इसके पूर्व के जो भी कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर काफी उच्च ढंग से बताया गया था, तो मैं आप सभी को साधुवाद देते हैं कि इस प्रकार के कोरोना काल में आपने जो कार्य किया है वो काफी महत्वपूर्ण है, बशर्ते हम समाज की दिशा को बदलने में सार्थक प्रयास करें और समाज की गतिशीलता बढ़ाने में हम सब आगे बढ़ करके। उत्तम शुभकामनाओं के साथ कि पुनः आप बहुत आगे बढ़े और न केवल बिहार की जो शैक्षणिक गतिशीलता बढ़ाने में है, पूरे देश में आपकी शैक्षणिक गतिशीलता में आपका पीछे सहयोग प्राप्त हो। अगर बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग यही कार्य समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल।